सो गाइस, यह रियलमी 13 प्रो प्लस 5G, इस फ़ोन में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है जो कि यहाँ पर हम अपडेट करने वाले हैं। तो अपडेट चेक करा देता हूँ कितना बड़ा अपडेट है। अपडेट काफ़ी जल्दी जल्दी बेसिकली इस फ़ोन में आ रहे हैं। रिसेंटली अपडेट आया था जो कि आई थिंक थर्ड या फोर्थ अपडेट होगा जो कि बहुत जल्दी यहाँ पर आया। जो अपडेट है यहाँ पर 713.76 MB का है। अपडेट वर्जन है 14.1.0.500EX01। इसमें क्या है भाई, सिक्योरिटी सिस्टम और कैमरा और भाई साहब नेटवर्क, काफ़ी कुछ ओवरऑल इस अपडेट में दिया है। जो लास्ट टाइम अपडेट आया था ऑलमोस्ट सेम चीज़ें मुझे अभी तक नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ऑप्टिमाइज़ स्मूथनेस ऑफ टेकिंग फोटोज़ इन सम सीन्स, जो कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए खरी है। ओवर एक्सपोजर का इशू खैर देखने को मिलता है फ्रंट कैमरे में, जो कि अब कैमरे वगैरह लाइट पड़ती है तो वहाँ पर उस तरह के इशू देखने को मिलते हैं। ऑप्टिमाइज द एंटी सैक इफेक्ट ऑफ टेकिंग फोटोज़ इन सम सीन, भाई फोटोज़ के लिए आया लेकिन इसमें ज़रूरत है। जो 4K में हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, उसमें प्रॉपर स्टेबलाइजेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इवन जब फ्रंट कैमरे से हम फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसमें भी प्रॉपर स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता। अब ये चीज़ रियलमी ने सही की नहीं गई, वो तो अपडेट करने के बाद पता लगने वाला है। इससे पहले अगर फ़ोन की कंडीशन की अगर बात करें, देखो फ़ोन काफ़ी स्मूथ चल रहा है, किसी तरह कोई इशू नहीं है। बट कैमरा रिलेटेड इशू है जो कि मेजर कह सकते हैं या फिर माइनर भी कह सकते हैं। जब इस फ़ोन में हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, जब 4K में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपर स्टेबलाइजेशन वहाँ पर जो देखने को नहीं मिलता, मतलब वीडियो जो बहुत ज़्यादा शेक करती है अगर हम मूव करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज स्टेबल होकर अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो काफ़ी सही ओवरऑल वीडियो आती है, लेकिन फ्रंट कैमरे में यहाँ पर इस तरह का इशू देखने को मिलता है। चाहे आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड करें, चाहे पर 4K में वीडियो रिकॉर्ड करें, स्टेबलाइजेशन का इशू है जब हम वॉक करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज स्टेबल करके फोन को मैं फोन को ट्राईपोर्ड में लगा के वीडियो रिकॉर्ड करें, किसी तरह कोई इशू नहीं देखने को मिलता। तो अपडेट करते हैं और कितना टाइम यहाँ पर लगने वाला है भाई। जियो का 5G आ रहा है जो कि काफ़ी जल्दी यहाँ पर डाउनलोड हो जाने वाला है डेफिनेटली। तो भाई करते हैं इसको डाउनलोड, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे कर देते हैं क्लिक और कंटिन्यू डाउनलोड। लेट्स सी कितना टाइम यहाँ पर लगने वाला है। 7:07 के समथिंग हो रहे हैं और देखो भाई साहब, ये देखो भाई, मुझे लग रहा है कुछ ही सेकंड यहाँ पर होंगे और ये डाउनलोडिंग कंप्लीट यहाँ पर हो जाने वाली। जो मैक्स स्पीड टॉप में शो कर रहा है ना, वो 33.1 MB PS के समथिंग यहाँ पर दिखा रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आपका कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं, मैक्स स्पीड क्या मिलती है। अब देखो यहाँ पर हम जस्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और मुझे लग रहा है यहाँ से आई थिंक 10 से 15 सेकंड शायद हुए होंगे शायद ही, और यहाँ पर जो डाउनलोडिंग यहाँ पर 100% कंप्लीट हो चुकी है। और फिलहाल जो यहाँ पर एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा, डाउनलोडिंग के बाद जस्ट स्टार्ट होता है जो कि। सो गाइस, एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुका है 100%। और भाई इसमें टाइम लगा ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 या 4.5 मिनट के समथिंग लगे एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस में, जो कि फाइल है ये 713 MB की फाइल है। फिलहाल जो वेरीफाइंग प्रोसेस चल रहा है इसमें भी शायद 1.5 मिनट के समथिंग लगता है। सो गाइस, वेरीफाइंग प्रोसेस भी यहाँ पर हो चुका है कम्प्लीट, इसमें भी 1.5-2 मिनट के समथिंग और लगे। और फिलहाल जो हम सॉफ्टवेयर को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ऐसे में इंस्टॉल नाउ पे कर देते हैं क्लिक। इंस्टॉल करने से पहले ध्यान रखना, फ़ोन को आपने ऑप्टिमाइज़ होने के लिए छोड़ना है सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद, बेसिकली फ़ोन को रिस्टार्ट होने के बाद। इसलिए सॉफ्टवेयर अपडेट जब भी करें हमेशा तब करें जब आपके पास जो टाइम हो, या तो नाइट के टाइम आप कर सकते हैं, नाइट का टाइम जो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इंस्टॉल नाउ पे कर देते हैं क्लिक। ऐसे में डिवाइस हमारा जो यहाँ पर रिस्टार्ट होने वाला है, और ध्यान रखें जब डिवाइस यहाँ पर रिस्टार्ट होता है, इस केस में आपने ना ही तो पावर बटन दबाना, ना ही वॉल्यूम अप डाउन बटन, कोई भी बटन आपने प्रेस नहीं करना है। जो प्रोसेस होता है उसको होने दें। सुबह सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, डिवाइस को यहाँ पर स्टार्ट होने में लगभग 1.25 मिनट के समथिंग यहाँ पर लगा। और भाई यहाँ पर देख सकते हैं अभी टॉप में जो ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पर साइन आ रहा है, फिनिशिंग सिस्टम अपडेट दिखा रहा है, यहाँ पर फिनिशिंग सिस्टम अपडेट यहाँ पर दिखा रहा है। ऐसे में देखो अभी इनिशियलाइजिंग भी यहाँ पर लिखा रहा है। तो आपने फ़ोन को कम से कम छोड़ देना है सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए। तो अभी हम इसको चेक करेंगे 20 मिनट बाद, इसके उनको कर देते हैं ऑफ और छोड़ देते हैं इसको। सुबह सॉफ्टवेयर अपडेट हुए यहाँ पर लगभग 30 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 3 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और टॉप में यहाँ पर जो नोटिफिकेशन भी आ चुका है न्यू वर्जन इंस्टॉल्ड, जो कि काफ़ी जल्दी ओवरऑल आ जाता है। और भाई इस बार थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। ओ भाई साहब, ये क्या हुआ भाई, इंटरफेस यहाँ पर पूरा चेंज हो चुका है भाई साहब। कुछ तरह का इंटरफेस आ रहा है Realme UI 5.0, हालांकि Realme UI 6.0 नहीं आ रहा, बट इंटरफेस देखो कितना चेंज यहाँ पर हो चुका है भाई। ये काफ़ी सही लग रहा है, जो कि मुझे लग रहा है मेजर डिफरेंस है। अगर मैं इस पर क्लिक ना करता तो पता ही नहीं लगता। खैर, अब यहाँ पर बियो डेट पे जाते हैं तो वो दिखाता है क्या क्या बेसिकली इस अपडेट में था जो ये हो चुका है। तो भाई इंटरफेस तो यहाँ पर पूरा चेंज हो चुका है, लग तो काफ़ी कूल रहा है। अगर यहाँ पर हम जाएँ सेटिंग से, तो सेटिंग में देखते हैं क्या नज़र आता है। वॉडेस में अगर जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट पर, तो भाई इंटरफेस जो कुछ तरह का हो चुका है यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट वाला जो सेक्शन है, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। बेसिकली कुछ भी फ़ोन में अगर चेंजेस वगैरह होते हैं ना, वो थोड़ा अलग लगता है और देखने में काफ़ी कूल सा कूल वाइब भी यहाँ पर देता है। खैर, अपडेट हो चुका है और भाई देखो फ़ोन को हमने छोड़ दिया था 30 मिनट के लिए, तो ऐसे में फ़ोन को प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन के लिए टाइम मिल जाता है। इसलिए भाई नाइट के टाइम पर ही आप जो सॉफ्टवेयर अपडेट हमेशा करें। और भाई स्मूथ लग रहा है अभी तक तो। खैर,
किसी तरह इशू है नहीं है फ़ोन में और नहीं यहाँ पर होने वाला है किसी तरह का इशू। खैर अगर यहाँ पर हम चेक करें लाइक जैसे फिंगरप्रिंट अनलॉक वगैरह काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो भाई फ़ोन को करते हैं लॉक और भाई यहाँ पर रखते हैं थंब और यहाँ पर काफ़ी फास्ट यहाँ पर जो अनलॉक फ़ोन यहाँ पर हो जा रहा है। ऐसे में कई बार अगर जो आपका फिंगर से फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा ना, तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि उंगलियाँ वगैरह घिस जाती हैं, इस तरह का इशू हो सकता है। सो भी चेक करें फेस अनलॉक, भाई फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो मैं ये बटन को प्रेस करता हूँ पावर को और ये देखो यहाँ पर डिटेक्ट करता है तुरंत ही। हालांकि इसमें सेटिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जस्ट फ़ोन को उठाएं और ये ऑटोमेटिकली अनलॉक यहाँ पर हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हुआ। अभी देखो मैं फ़ोन को जस्ट यहाँ पर नीचे की तरफ रखता हूँ और इसको उठाता हूँ लाइक दिस ऐसे। अब देखो यहाँ पर ये अनलॉक अपने आप हो जा रहा है। सो फिंगरप्रिंट अनलॉक और फेस अनलॉक काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। बाकी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं लाइक कैमरा चेक कर लेते हैं। भाई कैमरा ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लिया, खैर कोई दिक्कत नहीं इतना चलता है। बाकी हम स्विच करते हैं इसको 2x पे, देन 3x पे, ये हमने इसको कर दिया 3x और भाई ये हो गया, ये भी 3x पे हो गया। पोर्ट्रेट में चलते हैं, पोर्ट्रेट 3x, ये भी यहाँ पर जो पोर्ट्रेट 3x, ये जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। बाकी सैंपल अगर दिखाऊं मैं आपको, ये सैंपल है भाई यहाँ पर 3x का, ये ज़्यादा जल्दबाजी में ले रहा ये पोर्ट्रेट वाला मोड वाला। देखो यार प्रोसेसिंग हुई नहीं, AI का एडवांस फीचर से ये होता है भाई, फोटोज़ काफ़ी अच्छी ओवरऑल हो जाती है। मतलब किसी तरह का इशू भी रह जाए ना वो कर देता है। बाकी रियलमी 13 Pro Plus 5G में एडवांस फीचर्स मिलते हैं, किसी तरह से कोई इशू हो फोटो वगैरह में वो उसको कर देता है सही। तो ये नॉर्मल मोड वाली है, डिटेल प्रॉपर है भाई। देखो 3x ऑप्टिकल जूम है खैर, और इंडोर की फोटो है ये, तो वाइट है बैकग्राउंड, उसके बाद भी अच्छे से इस चीज़ को कैप्चर किया। अगर बाइज यहाँ पर बैकग्राउंड थोड़ा ब्लैक टाइप का होता ना, इसको और अच्छे से यहाँ पर ये कैप्चर करता। खैर यहाँ पर स्विच वगैरह भी करके देख लेते हैं, उससे पहले फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं भाई। फ़ोटोज़ तो काफ़ी अच्छे से क्लिक हो रही है। बाकी वीडियो में स्विच करते हैं स्ट्रीट में, नाइट में, ये स्ट्रीट में 60mm, 49, 24, 73, फोटोज़, पोर्ट्रेट, मोर, ये हाई रेजोल्यूशन। भाई हाई रेजोल्यूशन में फ़ोटोज़ में आपको यहाँ पर जूम मिल जाता है भाई, 50MP के कैमरे से आप जो जूम में करके फ़ोटो ले सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी कमाल की करी यहाँ पर रियलमी ने। तो कैमरा तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है भाई कैमरा प्रॉपर वगैरह वर्क नहीं कर रहा हो या फिर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा हो, तो जस्ट आपने जो फ़ोन को रिस्टार्ट करना है और मतलब स्विच ऑफ करके ऑन करना है, जस्ट रिस्टार्ट नहीं करना और छोड़ देना 10 से 15 मिनट के लिए अगर टाइम है तो। अदर भाई नॉर्मल भी ठीक हो जाता है, 1-2 मिनट के बाद भी आप ओपन करेंगे। खैर आप यूट्यूब पर चेक लेते हैं 4K वीडियो प्ले करके, कहीं वीडियो अटक उटक तो नहीं रही। सो गाइस फिलहाल यूट्यूब पर वीडियो प्ले हो रही है जो कि यहाँ पर फुल HD में प्ले हो रही है 60 FPS पे। इसको भाई अगर हम जूम करें, ये देखो भाई क्या कमाल है, अलग ही यहाँ पर लेवल है यहाँ पर वीडियो देखने का एक्सपीरियंस कर डिस्प्ले वाले फ़ोन में, खासकर एमोल्ड डिस्प्ले अगर हो तो। अभी हम इसको स्विच करने वाले हैं 4K में। सो सेटिंग पर आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 4K 60 FPS की वीडियो है, HDR वीडियो बेसिकली है, लेकिन यहाँ पर जो HDR का सपोर्ट नहीं है। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर 4K में। 4K में क्या होगा, यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा अटके होगी और उसके बाद जो स्मूथली यहाँ पर प्ले होने लगेगी। हालांकि ये चीज़ें कई बार नेटवर्क पर भी डिपेंड करती है, अगर वीडियो अटक वटक रही है तो नेटवर्क लो नेटवर्क हो सकता है बेसिकली। तो अभी तक तो काफ़ी स्मूथली यहाँ पर ओवरऑल प्ले हो रही है, किसी तरह कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पर हम ट्राई करें वीडियो को स्किप करने का तो क्या वीडियो स्किप, ओहो देखो भाई स्लो मोशन क्या ज़रूरत है भाई यहाँ पर, वाह क्या बात है भाई साहब, वीडियो काफ़ी सही चल रही है। अब इसको अरे यार स्किप गलत किया मैंने, ओहो ये देखो भाई ये कितनी प्यारी फुटेज है भाई, अलग ही लग रही है, वो भयंकर ही कितनी डरावनी। इसको करते हैं हम बैक किया हमने इसको, चल रही है भाई कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा स्किप करें, अभी भी चल रही है, थोड़ा सा और स्किप करें, अभी भी चल रही है, थोड़ा सा और स्किप करें तो अभी भी यहाँ पर चल रही है। बेसिकली जियो का 5G है भाई, कभी दिक्कत देता नहीं। एयरटेल में कई बार इशू देखा है मैंने, एयरटेल में कुछ जगह पर, जहाँ पर खैर जहाँ पर मेरा घर है वहाँ पर तो मैंने देखा ही है एयरटेल में थोड़ा प्रॉब्लम है। जियो के नेटवर्क तो खैर जंगल में मस्त आते हैं, कहीं भी चले जाओ बीहड़ में भी चला जाओ वहाँ पर भी काफ़ी सही चलता है ओवरऑल। सुबह चेक कर लेते हैं भाई म्यूज़िक की क्वालिटी में कोई किस तरह का कोई इशू तो नहीं है भाई अपडेट के बाद, तो वॉल्यूम को बढ़ाते हैं यहाँ पर। सो वॉल्यूम फुल में अगर सुन रहे हैं तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस है अपडेट के बाद भी, और लो वॉल्यूम में अगर सुनते हैं तो अपडेट के बाद भाई किसी तरह का कोई इशू नहीं है। म्यूज़िक वगैरह सुनने के तो स्पीकर वगैरह में किसी तरह का इशू नहीं देखने को मिलता, बेसिकली म्यूज़िक प्ले करते हुए किसी तरह कोई इशू ओवरऑल नहीं होने वाला, मतलब चाहे आप लो वॉल्यूम में म्यूज़िक सुने चाहे आप यहाँ पर हाई वॉल्यूम में म्यूज़िक सुने। तो अभी तक का एक्सपीरियंस तो काफ़ी सही इस अपडेट के बाद। खैर फ़ोन में किसी तरह कोई इशू था नहीं वैसे, इसमें जो मेजर इशू है या फिर एक इशू है जो कि
मुझे लगता है जिसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें, जो कि है 4K में स्टेबलाइजेशन का इशू। जब 4K में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं चलते हुए फ़ोन से, लाइक अगर ब्लॉगिंग वगैरह करने लग जाए तो वीडियो प्रॉपर स्टेबलाइज उसमें होती नहीं है। मैं वो चाहता हूँ वो सॉल्व हो जाए, अदरवाइज़ किसी तरह कोई इशू नहीं है। तो इस फ़ोन पर चार्जिंग टेस्ट की वीडियो आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट की अलग से मिल जाएगी, जिसमें हम यहाँ पर देखने वाले हैं फ़ोन कितने टाइम में यहाँ पर चार्ज होगा, बैटरी 52 mAh की। इसमें चार्जर जो मिलता है सर 80 वाट का है, और बैटरी बैकअप कितना मिल रहा है, स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिल रहा है, उसे भी हम देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसकी वीडियो अलग से खैर मिल जाएगी। बाकी सर अपडेट के बाद जो किस तरह का एक्सपीरियंस आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो करते हैं लाइक और शेयर करना, दोस्तों चैनल पर ना तो प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब।